सब्सक्राइब कीजिए टैक्सेशन गुरुजी चैनल को और घंटी बजाइए लेटेस्ट टैक्स अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 52 और इसमें कुछ पावर्स के बारे में बताया जा रहा है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। द पावर टू कलेक्ट द अमाउंट स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 शैल बी विदाउट प्रिजुडिस टू एनी अदर मोड ऑफ रिकवरी फ्रॉम द ऑपरेटर। अच्छा, पावर से याद आया, एक दो बातें आपको और बतानी है। ये जो सेक्शन 52 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसके सबसेक्शन 1 में ईसीओ को पावर दी जा रही है कि वो सप्लायर से टीसीएस कलेक्ट करें। इसी तरह सेक्शन 1 सबसेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 है, उसका प्रोविजो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो पूरा एक्ट एक ही साथ एक ही डेट पे अप्लाई करने को कहे, या जीएसटी के अलग अलग प्रोविजंस के लिए, अलग अलग सेक्शंस के लिए, अलग अलग प्रोविजंस के लिए अलग अलग अपॉइंटेड डेट बताए। तो जीएसटी के स्मूथ एप्लीकेशन के लिए गवर्नमेंट ने पूरा एक्ट एक ही बार में ना अप्लाई करके कुछ प्रोविजंस के लिए अलग अपॉइंटेड डेट नोटिफाई किए। अब ये आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन नंबर 51/2018 जिसमें क्लियरली लिखा है, आइए पहले पढ़ लेते हैं इस नोटिफिकेशन नंबर 51/2018 को। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाई सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाई अपॉइंट्स द फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 2018 एज द डेट ऑन विच द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 52 ऑफ द सेड एक्ट शैल कम इनटू फोर्स। तो इसमें क्लियरली लिखा है कि गवर्नमेंट ही नोटिफिकेशन सेक्शन 1 सबसेक्शन 3 में मिले पावर्स का इस्तेमाल करते हुए निकाल रही है, जिसके जरिए सेक्शन 52 की एप्लीकेबिलिटी 1 अक्टूबर 2018 से होगी। इसी तरह सेक्शन 20 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017 के क्लॉज 11 में लिखा है कि टीसीएस के लिए जो भी प्रोविजन सीजीएसटी एक्ट में है सीजीएसटी टैक्स के लिए, वो सारे प्रोविजन एज इट इज एप्लीकेबल होंगे आईजीएसटी एक्ट के तहत आईजीएसटी टैक्स के लिए। और इसी सेक्शन 20 के सेकंड प्रोविजन में कहा गया है, सेक्शन 20 ऑफ आईजीएसटी एक्ट के सेकंड प्रोविजन में कहा गया है कि आईजीएसटी एक्ट के लिए टीसीएस का रेट 2% से ज्यादा नहीं होगा, बाकी कितना होगा ये गवर्नमेंट नोटिफाई करके बताएगी। तो ये रहा आपके सामने नोटिफिकेशन नंबर 2/2018 इंटीग्रेटेड टैक्स। और इसमें लिखा है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाई सेकेंड प्रोविजो टू द सेक्शन 20 ऑफ द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 रेड विद सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 52 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल हियर बाय नोटिफाइज दैट एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर नॉट बीइंग एन एजेंट शैल कलेक्ट एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट अ रेट ऑफ 1% ऑफ द नेट वैल्यू ऑफ इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाईज मेड थ्रू इट बाय द अदर सप्लायर वेयर कंसिडरेशन विद रिस्पेक्ट टू सच सप्लाईज इज टू बी कलेक्टेड बाई द सेड ऑपरेटर। तो इसमें लिखा है कि ये नोटिफिकेशन सेक्शन 20 ऑफ आईजीएसटी एक्ट के सेकेंड प्रोविजन में मिले पावर्स के तहत इशू किया जा रहा है और इसमें टीसीएस एज आईजीएसटी टैक्स के लिए रेट नोटिफाई किया गया है 1% का 1%। अब आइए वापिस लौट के आते हैं अपने इस सबसेक्शन 2 पे जिसमें भी कुछ पावर्स की ही बात की जा रही है। तो यहाँ लिखा है द पावर टू कलेक्ट द अमाउंट स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 शैल बी विदाउट प्रिजुडिस टू एनी अदर मोड ऑफ रिकवरी फ्रॉम द ऑपरेटर। तो ये सबसेक्शन 2 कह रहा है कि सबसेक्शन 1 में जो भी अमाउंट स्पेसिफाइड है यानी 0.5% एज पर द करेंटली एप्लीकेबल नोटिफिकेशन ऑफ नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 0.5% नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई का, उसे कलेक्ट करने की पावर ईसीओ को है, लेकिन ईसीओ सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 के तहत केवल और केवल टीसीएस ही कलेक्ट कर सकता है और वो भी दी गई कंडीशंस फुलफिल होने पर ही। और साथ ही अभी तक हमने सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 दोनों को देखा, इसमें ईसीओ को टीसीएस कलेक्ट करने की पावर के बारे में तो लिखा है, बट ईसीओ टीसीएस कब सप्लायर से कलेक्ट करेगा, उसके कलेक्ट करने का मोड क्या होगा, मोड ऑफ रिकवरी क्या होगा, इसके बारे में नहीं लिखा है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर सप्लायर से टीसीएस कब कलेक्ट करेगा, जब सप्लायर का अकाउंट वो अपने बुक्स में ईसीओ क्रेडिट कर रहा होगा तब, या जब सप्लायर्स को पेमेंट करेगा ईसीओ तब, या सप्लायर से टीसीएस अलग से रिकवरी की जाएगी ईसीओ के द्वारा,
या इनमें से जो भी पहले होगा, ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं लिखा है कि ईसीओ सप्लायर से कब कलेक्ट करेगा, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे ईसीओ को सप्लायर से टीसीएस कलेक्ट करना है। बस यहाँ ये बात लिखी है कि ईसीओ हर महीने की, हर मंथ की एग्रीगेट नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कैलकुलेट करके उस पर 0.5% का टीसीएस सप्लायर से कलेक्ट करके सप्लायर के जीएसटी आईएन नंबर के थ्रू जमा करा देगा, जो कि सप्लायर के ई कैश लेजर में जमा कराने के बाद शो होगा। मतलब पूरे मंथ में जितनी भी टैक्सेबल सप्लाई है, सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 वाली सप्लाईज को एक्सक्लूड करते हुए, छोड़ते हुए, मंथली बेसिस पे नेट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करके 0.5% उस अमाउंट का एज अ टीसीएस सप्लायर से कलेक्ट करेगा और कॉमन पोर्टल पे जमा करेगा। इन्हीं पावर्स के बीच एक और बात, जैसे कोई इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ टैक्सेबल सप्लाई हुआ, माने सप्लायर दिल्ली का है और कस्टमर भी दिल्ली का है, तो सप्लायर ने जो टैक्स इनवॉइस बनाया होगा उसमें सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगाया होगा, और जब इस सप्लाई पे ईसीओ टीसीएस कलेक्ट करेगा तो वो क्या होगा, यानी आईजीएसटी टीसीएस कलेक्ट करेगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी टीसीएस कलेक्ट होगा, या सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी एज अ टीसीएस होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ईसीओ को ये सेक्शन 52 पावर दे ही दिया है कि सप्लायर से टीसीएस कलेक्ट कर ले, तो अब तो ईसीओ की मर्जी है भाई साहब कि वो कोई भी जीएसटी टैक्स एज अ टीसीएस कलेक्ट कर ले, क्योंकि उसको तो ये सेक्शन पावर दे दिया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही तो बात है कि ईसीओ को पावर टीसीएस कलेक्ट करने की दी गई है, लेकिन वो इसमें बताए गए कंडीशंस को पूरा करने पर ही, यानी कोई ट्रांजेक्शन अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई की है तो ईसीओ टीसीएस 0.5% सीजीएसटी कलेक्ट करेगा प्लस 0.5% एसजीएसटी कलेक्ट करेगा, और वही ट्रांजेक्शन अगर इंट्रा यूनियन टेरिटरी है तो ईसीओ कलेक्ट करेगा 0.5% का यूटीजीएसटी टीसीएस प्लस 0.5% का सीजीएसटी टीसीएस, और अगर वही ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट है तो ईसीओ कलेक्ट करेगा 1% का आईजीएसटी एज अ टीसीएस। तो दोस्तों ये था सबसेक्शन 2, जहां पे कुछ पावर्स की बात थी और बताया जा रहा था और पूछा जा रहा था कि किस तरह की पावर्स हैं ईसीओ के पास टीसीएस को कलेक्ट करने के लिए, उसकी मोड ऑफ रिकवरी के लिए, तो उनको यहाँ पे हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। अब आगे पढ़ते हैं अपना सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 52।